दो 2014 के बाद से देश ने अपनी पंचायतों के सशक्तिकरण का बीड़ा उठाया है और आज इसके परिणाम नजर आ रहे हैं आज भारत की पंचायतें गांवों के विकास की प्राणवायु बनकर उभर रही है ग्राम पंचायतें गांव की आवश्यकता के अनुसार गांव का विकास करे इसके लिए ग्राम पंचायत विकास योजना बनाकर काम किया जा रहा है साथियों हम पंचायतों की मदद से गांवों और शहरों के बीच की खाई को भी लगातार कम कर रहे हैं डिजिटल क्रांति के इस दौर में अब पंचायतों को भी स्मार्ट बनाया जा रहा है आज पंचायत स्तर पर योजनाएं बनाने से लेकर उन्हें लागू करने तक में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है जैसे आप लोग अमृत सरोवर पर इतना काम कर रहे हैं इन अमृत सरोवरों के लिए जगह चुनने में काम पूरा करने में हर स्तर पर टेक्नोलॉजी का खूब इस्तेमाल हुआ है आज यहां ई e ग्राम स्वराज जैम इंटीग्रेटेड पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया है इससे पंचायतों के माध्यम से होने वाली खरीद की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनेगी इससे अब पंचायतों को कम कीमत में सामान मिलेगा और स्थानीय छोटे उद्योगों को भी अपना सामान बेचने का एक सशक्त माध्यम मिल जाएगा दिव्यांगों के लिए ट्राइसिकल हो या बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी चीजें पंचायतों के सब सामान इस पोर्टल पर आसानी से मिलेगा भाई और बहनों आधुनिक टेक्नोलॉजी का एक और लाभ हम पीएम स्वामित्व योजना में भी देख रहे हैं हमारे यहां गांव के घरों के प्रॉपर्टी के कागजों को लेकर बहुत उलझने रही है इसके चलते भली भांति के वाद विवाद होते हैं अवैध कब्जों की आशंका होती है पीएम स्वामित्व योजना से अब ये सारी स्थितियां बदल रही है आज गांव गांव में ड्रोन टेक्नोलॉजी से सर्वे हो रहा है मैप बन रहे हैं इसके आधार पर बिना किसी भेदभाव के कानूनी दस्तावेज लोगों के हाथ में सौंपे जा रहे हैं अभी तक देशभर में पचहत्तर हजार गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड देने का कार्य पूरा हो चुका है और मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश की सरकार इसमें बहुत बेहतरीन काम कर रही है